हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर और मैं हूं अभिषेक देवांगन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में व्यापम भर्ती। वर्तमान में आप सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में व्यापम के द्वारा अलग अलग विभागों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस किस विभाग की भर्ती निकाली गई है, उस विभाग में कितने कितने पद व्यापम के द्वारा निकाले गए हैं, इसके अलावा क्या उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, क्या उस परीक्षा के लिए हम एलिजिबल हैं, क्या हमारी शैक्षणिक योग्यता उस परीक्षा के अनुसार है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही उस परीक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है, संपूर्ण पाठ्यक्रम या कंप्लीट सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों को यह कंफ्यूजन होता है कि इस परीक्षा में क्या पढ़ना है, क्योंकि व्यापम के सिलेबस में सामान्य ज्ञान कभी कभी इतना ही मेंशन कर दिया जाता है, तो ये भी हमको डाउट रहता है कि सामान्य ज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है? तो ये सभी जो आपके डाउट्स हैं ये आज क्लियर हो जाएंगे, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही व्यापम की परीक्षा की आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है, व्यापम के एग्जाम को आपको क्रैक कैसे करना है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इस एग्जाम को बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से क्रैक करने के लिए हमने एक व्यवस्था तैयार की है, तो इस व्यवस्था के बारे में मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा, तो यह वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि व्यापम के द्वारा कौन कौन सी वैकेंसियां किस किस विभाग के लिए निकाली गई है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ज्येष्ठ सम परीक्षक और सहायक सम परीक्षक, यहां से आप देख सकते हैं कि ज्येष्ठ सम परीक्षक और सहायक सम परीक्षक पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन। क्लियर है? यह वैकेंसी व्यापम के द्वारा निकाली जा चुकी है 26 अक्टूबर 2021 को। अब हम इस एग्जाम के बारे में यह जानेंगे कि इसका फॉर्म कब से भराया जाएगा, कब तक भराया जाएगा और इसका एग्जाम कब होगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 5 नवंबर 2021 को। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 22 नवंबर 2021 को। क्लियर है? फिर त्रुटि सुधार के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे, 23 से 25 नवंबर। इसके अलावा फिर परीक्षा की तिथि है 12 दिसंबर सन 2021 और इसके आगे लिखा गया है संभावित। तो संभावित से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, संभावित शब्द उसने इसलिए बस लिखा है ताकि अगर कोविड के कारण कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डेट को एक्सटेंड किया जा सके, अन्यथा किसी भी कारणवश ये परीक्षा स्थगित नहीं होगी। आप ये मान के चलिए और 100% ये मान के चलिए कि ये एग्जाम 12 दिसंबर को ही होने वाला है। व्यापम किसी कारणवश अपनी परीक्षा को कभी भी स्थगित नहीं करता है। क्लियर है? फिर इसमें परीक्षा का समय भी बता दिया गया है कि 10 बजे से सुबह 1:15 तक, 3.25 घंटे आपको यह दिए जाएंगे इस परीक्षा को हल करने के लिए। और परीक्षा का जो केंद्र है वो 5 संभागों में अलग अलग मुख्यालय होंगे, जिला मुख्यालय संभागों के जिला मुख्यालय में जहां जहां भी परीक्षा केंद्र होंगे वहां पर परीक्षा होंगे। क्लियर है? अब सम परीक्षा का कितना पोस्ट निकला है, ज्येष्ठ सम परीक्षा का कितना पोस्ट निकला है, ये हम देखते हैं। तो ज्येष्ठ सम परीक्षक क्या, ज्येष्ठ सम परीक्षक कुल जो पद है वह है 11 पद और सहायक सम परीक्षक का, सहायक सम परीक्षक का कुल पद है 54 पद। क्लियर है? इस प्रकार से इनको अगर हम टोटल करेंगे तो आप मान के चलिए कि 65 पद है ना, 65 पद सम परीक्षक और ज्येष्ठ सम परीक्षक और सहायक सम परीक्षक का निकाला गया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी या शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो कला विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक। क्लियर है? स्नातक मतलब ग्रेजुएशन। अगर आप कला के क्षेत्र से हैं, कला संकाय से हैं, या विज्ञान संकाय से हैं, या वाणिज्य संकाय से, अर्थात अब आर्ट्स के बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं, या आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं, ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कहा गया है, तो यह कहा गया है उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी में अधिस्नातक। अधिस्नातक का तात्पर्य क्या है, तो अधिस्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन तो आपका हो गई, तो अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा विधि स्नातक, अगर आपने लॉ में पढ़ाई किया है, लॉ में अगर आपने पढ़ाई की है या LLB किया है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर मैं सहायक सम परीक्षक की बात करूं, जिसके कुल पद कितने हैं, जिसके कुल पद हैं 54, यहां से आप देख सकते हैं कुल इसके 54 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए आपको कला विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना जरूरी है। क्लियर है? तो
तो अगर आप लॉ वाले स्टूडेंट है, एलएलबी वाले स्टूडेंट, तो सिर्फ और सिर्फ आप ज्येष्ठ सम परीक्षक का फॉर्म डाल सकते हैं, सहायक सम परीक्षक का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये व्यापम के द्वारा सम परीक्षक का वैकेंसी निकाला गया है। इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी देर बाद आगे चर्चा करूंगा। क्लियर है? इसके बाद ज्येष्ठ सम परीक्षक या सहायक सम परीक्षक के भर्ती हेतु, भर्ती परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, अगर सिलेबस की बात करें तो ज्येष्ठ सम परीक्षक एवं सहायक सम परीक्षक हेतु सामान्य ज्ञान, अभी सामान्य ज्ञान क्या है, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं, तो इस पर डिटेल में चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। आप मुझे आज, आप इस वीडियो में बने रहिए। बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता मतलब रीजनिंग, अंकगणित मतलब एप्टीट्यूड एवं हिंदी के विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्येष्ठ सम परीक्षक और सहायक सम परीक्षक का पेपर एक ही होगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा। हालांकि इसलिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग मांगी गई है, लेकिन पेपर एक ही होगा। अब सामान्य ज्ञान में कौन कौन से विषय आएंगे, बुद्धि क्षमता विश्लेषण क्षमता में कौन कौन से टॉपिक होंगे, अंकगणित में कौन कौन से टॉपिक होंगे, हिंदी विषय के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इस पर डिस्कस मैं आप लोग से आगे करूंगा। क्योंकि मैं व्यापम के कंप्लीट सिलेबस को आप लोग को बताने वाला हूं कि व्यापम का जो परीक्षा पैटर्न है वो कैसा है। सम परीक्षा के लिए एक चीज आप अलग से जान लीजिए कि इसका जो एग्जाम होगा है ना, वो कुल 200 प्रश्न उसमें आपको दिए जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में दिए जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, 100 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित के, इनको मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। और 100 क्वेश्चन आपका होगा हिंदी का। जो सम परीक्षा का पहले एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस पेपर हमने ग्रुप में डाला हुआ है। अगर आपको पेपर चाहिए तो आप इस नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए और वहां से जाके ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। 2015 और 2018 में जब सम परीक्षा का पेपर हुआ था तो वो पेपर, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वो ग्रुप में डाले जा चुके हैं। इसके अलावा ये आपको अधिसूचना का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो ये आप इसके परीक्षा के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपने जाना कि 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो हिंदी के 100 क्वेश्चन, और उसको बाकी छोड़ के जो 100 क्वेश्चन आपके बच गए वो यहां से आएंगे, सामान्य ज्ञान से, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित से। क्लियर है? तो ये हो गया सम परीक्षक। अब एक और नई वैकेंसी व्यापम के द्वारा निकाली जानी है, जो व्यापम के वेबसाइट में अभी अपलोड नहीं हुआ है। हो सकता है कि वीडियो अपलोड होने तक अपलोड हो जाए या वीडियो अपलोड होने के कुछ दिन बाद अपलोड हो जाए, तो आप व्यापम के साइट को चेक करते रहिएगा। लेकिन यह अधिसूचना जारी होने वाली है क्योंकि इसका एग्जाम डेट बता दिया गया है। यह जो आपके सामने पीडीएफ दिख रहा है, यह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर है? जो विज्ञापन जारी किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो तिथि है वो कब जारी की गई थी, 29 अक्टूबर 2021 को। और इस विज्ञापन के तहत कौन कौन से पद निकाले गए हैं, कौन कौन से पदों की वैकेंसी निकलने वाली, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसका जो एग्जाम होने वाला है वह कब होने वाला है, ध्यान रखिएगा, 19 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ध्यान रखना, जो सम परीक्षक का एग्जाम होने वाला है, सम परीक्षा एग्जाम कब होने वाला है, 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर दिन रविवार, उसके एक सप्ताह बाद 19 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित की जानी है। क्लियर है? मतलब व्यापम जो डेट डिसाइड कर रहा है वो एक के बाद एक कंटिन्यू पेपर होने वाला है ना, हर सप्ताह। इसके बाद 26 दिसंबर को भी एक पेपर होने वाला है, आगे मैं बताऊंगा। इस पर कितने पद स्वीकृत किए गए, तो सहायक ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 के 63 पद स्वीकृत किए गए हैं। ये व्यापम में बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप में डल चुका है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर है? इसके अलावा ये जो हमको पीडीएफ प्राप्त हुआ है उसमें मंत्रालय के द्वारा और भी पीडीएफ अपलोड किए गए हैं, जिसमें आप यहां से देख सकते हैं स्टेनोटाइपिस्ट के 30 पद स्वीकृत किए गए हैं। और देखिए इसकी परीक्षा कब होगी, 26 दिसंबर को होगी। क्लियर है? देखिए सीरीज समझने का प्रयास करिएगा। 12 दिसंबर को पेपर है किसका, 12 दिसंबर को पेपर है किसका, सम परीक्षक का। इसके बाद इसके जस्ट अगले सप्ताह मतलब 19 दिसंबर को पेपर है किसका, असिस्टेंट ग्रेड 3 का। और इसके बाद इसके एक सप्ताह बाद 26 दिसंबर को पेपर है किसका, स्टेनोटाइपिस्ट का। ये कोई भी एग्जाम का डेट आगे नहीं बढ़ेगा, मैं क्लियर कर देता हूं। आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए, अभी से अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि दिसंबर माह में मुझे ये सारे एग्जाम देने हैं। इसके अलावा शीघ्र लेखक हिंदी के 11 पद, शीघ्र लेखक अंग्रेजी के 2 पद निकाले गए हैं, 2 पद को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब अगर इसके मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूं
तो असिस्टेंट ग्रेड थ्री में आपको ध्यान रखना है, तो असिस्टेंट ग्रेड थ्री में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 की परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी है, मतलब 12वीं का एग्जाम आपको पास करना है या 12वीं का एग्जाम आपका क्लियर हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी जिस डिग्री का नाम है डीसीए, या आप पीजीडीसीए भी किए हुए हैं तो भी ये डिग्री आपको काम आ जाएगी। डीसीए या पीजीडीसीए आपने किया हुआ है और आप 12th उत्तीर्ण है ना, आप अगर 12वीं पास किए हैं तभी आप डीसीए कर पाएंगे, और पीजीडीसीए के लिए आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके पास 12th आप 12वीं पास कर चुके हैं और आपके पास डीसीए का अगर डिग्री है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस 63 पदों के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं स्टेनोटाइपिस्ट की बात करूं तो इसमें भी सेम शैक्षणिक योग्यता मानी गई, किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 की परीक्षा आपको उत्तीर्ण करी है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आपसे एक टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, क्लियर है। उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, चूंकि ये सिलेबस से संबंधित नहीं है इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, या हमारे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित नहीं है इस पर इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उस पर अलग से वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं बना दूंगा, आप नीचे बिल्कुल कमेंट करिए। तो दो वैकेंसियां हो गई, एक सम परीक्षक और दूसरा सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, या इसको आप संयुक्त भर्ती परीक्षा भी बोल सकते हैं, क्लियर है। संयुक्त भर्ती परीक्षा में जो व्यापम द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लगभग 200 क्वेश्चन संयुक्त भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्लियर है। पिछली जो संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें 200 क्वेश्चन का उसने पेपर लिया था, जिस प्रकार से सम परीक्षा में 200 क्वेश्चन होंगे उसी प्रकार से इस संयुक्त भर्ती में भी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका सिलेबस क्या होगा तो सिलेबस मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, क्लियर है। इसके बाद ये आपके सामने एक लेटर है जो अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये लेटर जारी किया गया था मंत्रालय के द्वारा, और कब जारी किया गया था तो 22 सितंबर 2021 को इसको जारी किया गया था। इसमें 301 पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी जा चुकी है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है इसका विषय क्या है, तो पटवारी के, मैं इसको जूम करता हूं पहले तब अच्छे से देख पाएंगे, पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति की अनुमति बाबत अनुमति प्रदान किया गया, जिसमें पटवारियों के 301 रिक्त पदों को भरने की सहमति प्रदान की गई। टोटल 804 पद रिक्त हैं लेकिन पूरे पदों को नहीं भरा जाएगा, 301 पदों को भरने की सहमति प्रदान कर दी गई है, मतलब विभागीय जो अनुमति है वो प्रदान की जा चुकी है। अब व्यापम में इसकी अधिसूचना आनी बाकी है, वो कभी भी आ सकता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि अधिसूचना जारी हो जाए, या आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय अधिसूचना जारी हो सकती है, मतलब इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। अब पटवारी में क्या पढ़ना है और इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो पटवारी के एग्जाम के लिए भी ग्रेजुएशन मांगता है, हालांकि 12th पास वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं, ये देखना पड़ेगा कि इस बार जब इसकी अधिसूचना जारी की जा रही तो क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही आपके पास एक कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, तो कंप्यूटर की डिग्री आपके पास है और आप ग्रेजुएशन है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पटवारी के एग्जाम के लिए 301 पदों पर भर्ती की जानी है, ध्यान रखना बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, क्लियर है। पटवारी के सिलेबस या व्यापम के परीक्षा के सिलेबस के बारे में मैं आगे डिटेल में चर्चा फिर करने वाला हूं। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस वीडियो पर बने रहें, ये तो है ही है, लेकिन आप पटवारी या व्यापम के सिलेबस को अच्छे से एक बार जान लेंगे, क्लियर है, अगर अंत तक आप बने रहेंगे तो। इसके बाद ये एक पेपर कटिंग भी काफी वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों तक पहुंचा होगा। ये जो भी मैं पीडीएफ स्लाइड्स आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो चुके हैं, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी भी अधिसूचना जो है व्यापम में जारी होने वाली है, लेकिन अभी तक से जारी नहीं हुई है। अभी तक ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो व्यापम में इस पर कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन आने वाला है, हो सकता है कि ये वीडियो जब आप देख रहे हैं उस समय तक ये व्यापम में अपडेट हो जाए। तो परियोजना क्षेत्रफल, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल और क्षेत्र रक्षक, ये 3 वैकेंसियां जारी होने वाली है, जिसका एग्जाम किसके द्वारा लिया जाएगा, व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। और टोटल कितने पद हैं, तो परियोजना क्षेत्रपाल के देखिए यहां पर 8 पद हैं, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के 39 पद और क्षेत्र रक्षक के 47 पद। तो इस प्रकार से व्यापम के द्वारा परियोजना क्षेत्रफल, या आप बोल सकते हैं राज्य वन विकास निगम में भर्ती ली जाने वाली है, पटवारी में भर्ती ली जाने वाली है, इसके अलावा सम परीक्षक और संयुक्त भर्ती परीक्षा जिसमें सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट, इसकी परीक्षा ली जानी है। तो आपके पास काफी अच्छा मौका है, क्लियर है। तो अभी हमने यह देखा कि व्यापम के द्वारा कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। ये जब वन विकास निगम की से संबंधित सूचना जारी होगी व्यापम में, तभी हम इसके बारे में जान पाएंगे कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है।
क्लियर है, उस समय मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, या आप हमसे ग्रुप में जुड़े रहिए वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा। अब ये चीज तो हमारा हो गया कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, उसके लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता है, क्या आप इस शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आता है कि हमको पढ़ना क्या है, क्लियर। तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सिलेबस को लेकर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर है। तो व्यापम के अगर मैं एग्जाम की बात करूं, है ना, व्यापम जो भी भर्ती परीक्षा लेता है नॉन टेक की, क्लियर है। तो देखिए ये आपके सामने एक सिलेबस है पटवारी का सिलेबस, ये सिलेबस पटवारी का जरूर है, लेकिन व्यापम जब कोई भी सा एग्जाम लेता है तो ये जो नीचे आपको सिलेबस दिख रहे ना, ये इन्हीं के आसपास उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है। मतलब कंप्यूटर से संबंधित व्यापम क्वेश्चन पूछता है, हिंदी व्याकरण से संबंधित व्यापम क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश से वो क्वेश्चन पूछता है, गणित से व्यापम क्वेश्चन पूछता है, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग से वो क्वेश्चन पूछता है, सामान्य ज्ञान, देखिए जो सामान्य ज्ञान आप कह रहे थे ना कि सामान्य ज्ञान क्या होता है आप जिसके बारे में सोच रहे थे, वो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछता है 35 नंबर के लगभग। ये अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना, ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग हो सकते हैं बिल्कुल। जैसे अगर सम परीक्षक की बात करूं तो सम परीक्षक में हिंदी का वेटेज कितना है, 100 नंबर का वेटेज है हिंदी का, 100 नंबर का, क्लियर है। लेकिन अगर मैं पटवारी की बात करूं तो पटवारी में कितने नंबर का वेटेज है, 10 नंबर का वेटेज है। लेकिन सिलेबस वही है, हिंदी में आपको पढ़ना वही है, वही संज्ञा पढ़ना है, वही सर्वनाम पढ़ना है, क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आगे समसामयिक घटना, तो समसामयिक घटना से संबंधित भी क्वेश्चन व्यापम पूछता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी मतलब छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ये सभी छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं तो सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, चाहो तो आप इसको नोट कर लो ताकि आप लोग के पास हमेशा ये रिटर्न में रहे और आप कभी ना भूले। तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय इतिहास, ध्यान रखिएगा भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा आपको भारत का भूगोल, इसके अलावा आपको संविधान या राज्य व्यवस्था भी इसको आप कह सकते हैं, इसके अलावा आपको अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विज्ञान के अंतर्गत, क्लियर है। इसके अलावा कुछ और विविध जैसे प्रश्न होते हैं वहां से भी क्वेश्चन व्यापम पूछता है। तो मेनली सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आते हैं जिसको आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था और विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को जोड़ सकते हैं, पर्यावरण भी इसके अंतर्गत आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी आप चाहे तो इसी के अंतर्गत ले सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए व्यापम का एग्जाम का लेने का पैटर्न आप समझिए कि व्यापम एग्जाम लेता कैसे है, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि व्यापम जब भी एग्जाम लेगा उसके पाठ्यक्रम में आप ध्यान दीजिए कि ये सभी जो सिलेबस है वो मेंशन रहेंगे, कुछ एक टॉपिक हट सकता है। जैसे सम परीक्षक में 100 नंबर का हिंदी है तो इंग्लिश में सम परीक्षक को नहीं रखा गया, लेकिन संयुक्त भर्ती परीक्षा का भी सिलेबस यही रहेगा। अब जिस प्रकार से पटवारी में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार से संयुक्त भर्ती परीक्षा में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हमको पढ़ना तो वही है। ध्यान देने वाली बात है कि हमको पढ़ना इन्हीं सिलेबस को है, चाहे सहायक ग्रेड 3 का पेपर हो, चाहे सम परीक्षक का पेपर हो, या पटवारी का सिलेबस हो, या आप मंडी निरीक्षक का भी सिलेबस दे सकते हैं जिसके द्वारा, जिसकी वैकेंसी व्यापम के द्वारा निकाली गई है। देखिए वही सिलेबस है, गणित, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर, और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गया कृषि। यही जो ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, कृषि हो गया या किसी में इंग्लिश को हटा दिया, यही एक दो सब्जेक्ट को ऊपर नीचे करता है, बाकी सभी सब्जेक्ट सेम रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंप्लीट हम सिलेबस की तैयारी कर लें, ये जो आपके सामने सिलेबस दिख रहा है इसकी हम अच्छे से तैयारी कर लें, इसको हम अच्छे से पढ़ लें, फिर व्यापम के होने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं या उसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। जैसे पटवारी के साथ साथ कभी कभी आरआई का भी एग्जाम होता है, अमीन का भी एग्जाम होता है, अभी छात्रावास अधीक्षक की भी बात चल रही है, उसकी भी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि अभी कुछ आने वाले समय में चुनाव भी हैं और सरकार भी अपने परफॉर्मेंस सुधारना चाहती है, वो इसलिए कंटिन्यू वैकेंसियां निकाल रही हैं। और आप देख भी रहे हैं कि दो तीन वैकेंसी तो आई गई है, दो तीन वैकेंसी की बात चल रही है। तो व्यापम के परीक्षा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो समझने का प्रयास करें कि व्यापम जब परीक्षा लेता है तो किस प्रकार से लेता है। देखिए अभी जो सम परीक्षक की वैकेंसी निकली है उसके अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए व्यापम ने जब अधिसूचना जारी की तो किस दिन अधिसूचना जारी की उसने, 26 अक्टूबर 2021 को।
26 अक्टूबर 2021 को व्यापम ने अधिसूचना जारी की कि हम सम परीक्षा का भर्ती लेंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आप, जब 26 अक्टूबर को उसने अधिसूचना जारी की, 26 अक्टूबर 2021 को, उसके बाद उसने ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि दी 5 नवंबर, अंतिम तिथि है 22 नवंबर, और देखिए एग्जाम का डेट जो है, परीक्षा की तिथि है वो 22 दिसंबर। समझने का प्रयास करें कि व्यापम कैसे एग्जाम लेता है, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। 26 अक्टूबर को उसने अधिसूचना जारी की, जिस दिन से वो अधिसूचना जारी कर दिया उसने, उस दिन समझ लीजिए कि उस दिन से वैकेंसी आ चुकी है ना, वो वैकेंसी मतलब होगी। तो 26 अक्टूबर के 4 दिन बाद नवंबर लग जाएगा, तो 4 दिन आपको अक्टूबर में मिले, नवंबर का आप 30 दिन मान लीजिए और दिसंबर का आप 11 दिन मान लीजिए, है ना, कि 12 तारीख को तो आपको पेपर ही देना है। तो आपके पास देखिए 4 और 1 5 और 3 और 1 4, आपके पास मात्र और मात्र 45 दिन बचते हैं। इसी प्रकार से देखिए जो सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी भी आने वाली है, जिसका मैंने आप लोग को पीडीएफ दिखाया, उसका एग्जाम कब है, 12 दिसंबर को ये एग्जाम है, और 12 दिसंबर के जस्ट अगले संडे मतलब 19 दिसंबर को वो एग्जाम है। क्लियर है? तो इसमें आप फिर से 45 दिन और जोड़ लीजिए, या अभी ये समय हो चुका है तो कम से कम आपके पास मुश्किल से 40-45 दिन ही इसके लिए बचेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब व्यापम वैकेंसी निकालता है ना, तो आपके पास समय नहीं होता है। और ये जो पहाड़ जैसा आपको सिलेबस दिख रहा है, जिसमें आपको कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इतने सारे सिलेबस को पढ़ना है, तो क्या ये 45 दिन में कंप्लीट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि 45 दिन में कंप्लीट कराया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं कराया जा सकता, ध्यान रखिएगा। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है? तो इसकी तैयारी हमको पहले से करनी है। क्लियर है? अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आपको पहले से इसकी तैयारी करनी है। 45 दिन में आप मान सकते हैं कि इसका रिविजन हो सकता है, लेकिन अभी आपके पास समय है, बिल्कुल अभी आपके पास समय है। 45 दिन में आप काफी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अगर इनमें से आप कुछ सब्जेक्ट पहले पढ़े हुए होंगे या आप इन सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा नॉलेज रखते होंगे, तो थोड़ा सा आप और इसमें ऐड करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अभी कुछ वैकेंसियां आई नहीं है, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, जो अभी कब आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी, है ना। 2021 में नहीं आया तो गारंटी की 2022 में आएगी ही आएगी, तो उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, प्रिपेयर रहेंगे पहले से, है ना। इसके अलावा अमीन पटवारी का भी वैकेंसी आ सकता है, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक, जिसकी बात अभी चल रही, छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली है, वो भी वैकेंसी आ सकती है, और उसका सिलेबस भी इसी के आसपास घूमेगा। तो ये जो एक कंप्लीट सिलेबस है, एक संपूर्ण पाठ्यक्रम है पटवारी का कहें या सम परीक्षा कहें या व्यापम का सिलेबस कहें, उसकी हम तैयारी अच्छे से कर लें, फिर जो भी एग्जाम आएगा हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे पहले से। अगर आप सोचेंगे कि जब वैकेंसी आएगी तो मैं पढ़ूंगा या तब मैं पढ़ूंगी, तो फिर आप बहुत लेट हो जा रहेंगे, उस समय आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिलेबस अपने आप में काफी ज्यादा इसके अंदर टॉपिक है। जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान की, तो देखिए क्या क्या आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर का उपयोग पढ़ना है, कंप्यूटर के प्रमुख भागों के बारे में आपको पढ़ना है, प्रिंटर के प्रकार पढ़ना है। क्लियर है? कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर के प्रमुख जो डिवाइस है, प्रमुख भाग है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और कौन कौन से प्रिंटर के प्रकार होते हैं, इसका वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। आगे जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं उसके भी वीडियो डाले जाएंगे, है ना। जिस YouTube चैनल में आप मुझे देख पा रहे हैं उसी YouTube में वीडियो डाला हुआ है, या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में YouTube चैनल का लिंक डाला हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं कि ये वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। काफी इजी वे पे हमने इसको डील किया है और आप जाके वहां से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। ये भी पीडीएफ हमने ग्रुप में अपलोड कर दिया है, पटवारी संबंधित सिलेबस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप ग्रुप में एंटर करिए, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्लियर है, समास, रचना, प्रकार, संधि, स्वर व्यंजन, विसर्ग संधि, ठीक है। इस टॉपिक में से कुछ टॉपिक जैसे वर्णमाला हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, और संधि से संबंधित वीडियो इस YouTube चैनल पर डाला जा चुका है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं काफी इजी वे पे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से पीडीएफ के थ्रू हमने इस क्लास को लिया है, काफी अट्रैक्टिव है ना, और इफेक्टिव पीडीएफ है, एकदम इजी वे पे हमने पढ़ा है। एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको
दोबारा कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन जो संधि या वर्णमाला या संज्ञा सर्वनाम जो भी कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा तो आप वीडियो को बीच में बंद कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको रस, अलंकार, दोहा, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, ये सारे टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ने हैं, क्लियर है। इसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, है ना, कंजक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे पार्ट आपको पढ़ने हैं, क्लियर है। तो इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास हमेशा रखिए। व्यापम का जो बेसिक सिलेबस है ना, व्यापम कोई भी एग्जाम लेगा तो ये सारे टॉपिक्स या सारे सब्जेक्ट को पूछता ही है, तो ये पास आपके पास हमेशा रहेगा, आप इसको देख के जान सकते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। और इन सब्जेक्ट के अंदर ये जो टॉपिक है ना, ये यही टॉपिक रहेंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करता है वो सिर्फ और सिर्फ ये बोले कि आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है या हिंदी व्याकरण आपके सिलेबस में मेंशन रहेगा, उसके अंदर क्या टॉपिक रहेंगे वो कभी व्यापम नहीं बताएगा, जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं गणित की बात करूं, देखिए गणित का वेटेज 30 नंबर का वेटेज है, मतलब एप्टीट्यूड का, क्लियर है। एप्टीट्यूड से संबंधित वीडियो भी इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। आप नीचे आप इस YouTube चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का या एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करिए और वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है ना, संख्या पद्धति से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे। संख्या पद्धति को हमने 8 से 9 क्लास में कंप्लीट किया, काफी इजी वे पढ़ा है। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ इससे संबंधित भी हमने 7 से 8 क्लास किए हैं, जो आपको दिख जाएगा सीरीज वाइज, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक 1, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक 2, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक 3, इस प्रकार से हमने एलसीएम और एचसीएफ को भी काफी इजी वे पे हल किया है। तो इसके वीडियो भी आप यहां पर जाकर देख सकते हैं और जो भी कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा हमने एवरेज औसत को भी कंप्लीट कर लिया है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सारे जो क्लासेस हुई थी वो लाइव क्लासेस हुई थी, जिसका रिकॉर्डेड वे पे रिकॉर्डेड फॉर्म रखा हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो रखा हुआ है यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा परसेंटेज के भी क्वेश्चन, प्रतिशत के भी टॉपिक को हमने हल कर लिया है। तो ये 4-5 टॉपिक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने सॉल्व कर लिया है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को अपने आपने एक बार देख लिया तो ये जो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए ना, इससे टॉपिक से 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 100% मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन किसी से नहीं बनते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाता है जो किसी से नहीं बनता है, क्लियर है। तो एप्टीट्यूड, संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ और प्रतिशत के वीडियोस इस यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके आपको दिख जाएगा और काफी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको एप्टीट्यूड में और क्या क्या पढ़ना है तो यहां पर हम नीचे देखते हैं, औसत, चाल, समय, दूरी, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय है ना, और लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्वृत्त, इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड से। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपसे वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता या रीजनिंग की मैं बात करूं तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, टेस्ट, क्लॉक, ठीक है। तो क्लॉक के भी वीडियो आपको नीचे मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमने कोडिंग डिकोडिंग, ये आपको जो कोडिंग डिकोडिंग दिख रहा है इसका भी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और है आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन के भी वीडियो आपको इस YouTube पर मिल जाए काफी इजी वे पे। डायरेक्शंस का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको डायरेक्शन से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से भी जो आपको डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा क्लॉक के भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से रीजनिंग का अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, वर्ड अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, अल्फाबेट मैट्रिक्स हो गया, नंबर मैट्रिक्स हो गया, ये सारे टॉपिक जो हैं वो रीजनिंग विषय के अंतर्गत आते हैं। नंबर पजल हो गया, डाइस हो गया, है ना। इसके अलावा अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं, देखिए सामान्य ज्ञान जिसका वेटेज लगभग 30 से 35 प्रश्न का है, मैं पहले कह रहा हूं कि आपको पढ़ना यही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम या ज्यादा हो सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, प्रतीक राष्ट्रीय व्यक्तित्व, है ना, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है वो व्यक्तित्व, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, एवं लोकतंत्र एवं चुनाव
है ना, जो चुनाव संबंधित जो भी लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। भारत का भूगोल हमको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी हमको पढ़ना है। और सामान्य विज्ञान, देखिए विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, ये सभी विषय आ जाते हैं। इसके अलावा जो समसामयिक घटना है, तात्कालिक समय में जो घटना घटी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ में प्रशासन, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो देखिए काफी बड़ा सिलेबस है और इस सिलेबस को 40 से 50 दिन में कंप्लीट नहीं किया जाता, लेकिन अच्छे से तैयारी आप करेंगे, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, तो मैं ये तो नहीं कहूं कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा आपको आगे जो एग्जाम आने वाले हैं ना, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। जो व्यापम की और भी भर्तियां होने वाली, व्यापम तो कंटिन्यू वैकेंसी निकालता ही रहता है ना, हर 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, या 1 साल में 3-4 बार ऐसा वैकेंसी निकालता है। तो आगे आने वाले पटवारी का परीक्षा, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। क्लियर है? तो ये सारे सब्जेक्ट या सारे विषय पूछे जाते हैं व्यापम के द्वारा। तो आप व्यापम की तैयारी अच्छे से एक बार कर लीजिए, या इन सिलेबस की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद व्यापम के जो भी एग्जाम होंगे उस सभी में आप प्रिपेयर, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी जो एग्जाम अभी वर्तमान में निकला है, उसमें भी आपको यही सिलेबस पढ़ना है। सब इंस्पेक्टर का भी सिलेबस इसी के आसपास घूमता है। क्लियर है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमने व्यवस्था आप लोगों के लिए तैयार की है, एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था को आप ज्वाइन कर, है ना, या उस व्यवस्था में आप शामिल होकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आपके लिए एटी ग्रुप ने एक कंप्लीट पैकेज लॉन्च किया है। क्या पैकेज लॉन्च किया है? तो लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यूट्यूब पर भी हमारे लाइव क्लासेस कभी कभी होती हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, अब आपको लाइव क्लासेस तो मिल जाती हैं, आपने कोचिंग कर लिया, आपने पढ़ाई कर लिया, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलता है कहीं पर भी। आप उसके लिए भटकते रहते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो क्या क्या परेशानियां आती है, वो आपको टेस्ट सीरीज में पता चलता है। इसके अलावा हमने क्लास भी कर लिया, टेस्ट सीरीज भी मिल गया, लेकिन हमको नोट्स नहीं मिल पाते हैं। तो पीडीएफ नोट्स भी अब हमको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो क्लास के नोट्स होते हैं ना, वो पीडीएफ नोट्स, हम पीडीएफ के थ्रू क्लास कंडक्ट करते हैं और वो पीडीएफ नोट्स क्लास के बाद आपको तुरंत दे दिए जाते हैं। इसके अलावा बुक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बुक कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? तो बुक इस प्रकार से प्रोवाइड किया जाएगा कि हमारे कोरियर पार्टनर से टाई अप्स हैं, है ना, जिस भी सब्जेक्ट की बुक की आपकी आवश्यकता होगी उस बुक को हम कोरियर के थ्रू आपके घर पहुंचाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है एटी लर्निंग ऐप पर। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए, आपके सुविधा के लिए, आपके तैयारी को और बेहतर करने के लिए एटी ग्रुप ने लॉन्च किया है एटी लर्निंग ऐप, जिसके माध्यम से आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस, ये पूरी तरीके से लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी। मैं कुछ आपको अंतर बताना चाहूंगा लाइव क्लासेस में और रिकॉर्डेड क्लासेस में। देखिए लाइव क्लासेस में क्या होती हैं, जब हम लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लासेस हम करते हैं, है ना, तो एक टाइम होता है लाइव क्लासेस का कि हम उस टाइम पर लाइव क्लास को हमको ज्वाइन करना है। जैसे एक सुबह का टाइम है 7:30, ये एक सुबह का टाइम है जिसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है 7:30 में। इस टाइम पे आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी क्लास छूट जाएगी। वहीं अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड करते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस करते हैं, तो आपको पता है कि मेरे पास ये वीडियो रिकॉर्ड के रूप में रखा हुआ है। और अगर मैं आपको कहूं कि रोज आपको सुबह 7:30 उठकर आपको इस वीडियो को देखना है, रोज आपके पास 100 वीडियो हैं, तो रोज आपको 2 वीडियो या 3 वीडियो देखने हैं, तो आप पहले दिन तो बिल्कुल उठेंगे, दूसरे दिन भी शायद आप उठेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप नहीं उठेंगे। क्लियर है? मैं सही बात कर रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। आप इस चीज को खुद समझते होंगे कि जब हमारे पास चीज रिकॉर्डेड के रूप में कोई रहता है, तो हम उस पर कंटिन्यूटी नहीं बना पाते। मतलब सबसे पहली समस्या कहां पर आती है? टाइम टेबल की समस्या आती है। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है उनका आप फीडबैक ले सकते हैं, टाइम टेबल बहुत जरूरी है। आपका जो पढ़ने का समय वो फिक्स होना चाहिए कि इतने समय हमको क्लास करनी है, इतने समय हमको पढ़ना है, इतने समय हमको बाकी कार्यक्रम करने हैं, तभी आपका तैयारी एकदम बेहतर हो पाएगा। तो सबसे पहले हमको लाइव क्लासेस में क्या फायदा मिलता है कि हमको एक टाइम टेबल हमारा सेट होता है, जो कि रिकॉर्डेड क्लास में हमको नहीं मिलता है। दूसरी चीज डाउट, ये सबसे बड़ा पार्ट है आपकी तैयारी का। जितना आप पढ़ते जाएंगे ना, उतना आपका डाउट भी बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो डाउट को अगर आपको खत्म करना है, तो डाउट को खत्म कैसे करेंगे? आप टीचर से पूछेंगे,
जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके बाद आप घर पर पढ़ेंगे तो आपको डाउट होगा, या क्लास में आप तुरंत देख रहे हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं या लाइव क्लास देख रहे हैं तो आपको डाउट होगा, क्लियर है। अब लाइव क्लास में क्या होगा पता है, लाइव क्लास में आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगे, टीचर को आप देखते रहेंगे, कुछ भी अगर आपको डाउट हुआ तो टीचर को डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मुझे यहां पर ये डाउट है, और उस डाउट को टीचर क्या करेगा, तुरंत उसका सॉल्यूशन वहीं पर आपको बता देगा। तो ये डाउट आपका क्या हो गया, तुरंत यहीं पर क्लियर हो गया, ये डाउट नहीं रहा। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होगी कि टीचर तो आपको पढ़ा रहा होगा लेकिन वो टीचर लाइव नहीं होगा, वो वीडियो रिकॉर्डेड हो चुका है, तो आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप हो सकता है कि आपको कमेंट सेक्शन दिया रहेगा, आप नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। जब आप कमेंट करेंगे तो तुरंत इसका रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपको वीडियो देखने का टाइम कोई फिक्स नहीं, आप कभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जब इसका रिप्लाई किया जाएगा तो उस समय हो सकता है कि एक दिन बाद इसका रिप्लाई किया जाए, या जब रिप्लाई किया जाएगा उस समय हो सकता है कि आपके पास वो सिस्टम ना हो जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या उस सिस्टम से आप बाहर आ चुके हैं जिस भी ऐप से आप देख रहे हैं, क्लियर है। और जब वो कमेंट किया गया, रिप्लाई नहीं किया गया, और किया गया तो आप देखे ही नहीं, या आपका ध्यान से उतर गया, है ना। और इस प्रकार से करते हुए जिस दिन एग्जाम होगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम से में वो क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको डाउट है, तब याद आए कि ये तो मेरा डाउट क्लियर ही नहीं हो पाया था। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या अंतर है। लाइव क्लासेस में आपके डाउट तुरंत क्लियर हो सकते हैं, आप टीचर से बात कर सकते हैं, है ना। आपका एक टाइम टेबल सेट होगा, आपको सुबह 7:30 बजे क्लास करनी है, मतलब उठना ही पड़ेगा आपको 6:30 बजे 7 बजे आपको उठना ही पड़ेगा, लेकिन रिकॉर्डेड में आप नहीं उठेंगे क्योंकि उठना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा जो आपके डाउट है वो भी आपको एट अ टाइम में तुरंत आपके क्लियर हो जाएंगे, जो आपको लाइव क्लासेस में फैसिलिटी मिलती है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्लियर है। तो हमने जो ऐप लॉन्च किया आप लोगों के लिए एटी लर्निंग ऐप, इसमें आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है। दूसरा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाला है, क्लियर है। अगर आप व्यापम की पढ़ाई हमारे साथ करते हैं तो आपको 15 टेस्ट सीरीज भी मिलने वाले हैं, जो ऐप पर ही आपके अपलोड होंगे, आपको कहीं नहीं जाना है अलग से, आपको टेस्ट सीरीज देने कहीं नहीं जाना है। आप उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आपको टेस्ट सीरीज उस ऐप में ही मिलेगा, क्लियर है। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी आपको हम सेंड करेंगे, ग्रुप के माध्यम से हम सेंड करेंगे, जैसे ही क्लास होगी फिर उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप उसको डिजिटल नोट्स के रूप में अपने पास रख सकते हैं, जब भी कोई डाउट होगा उसको आप हमेशा आप देख सकते हैं कभी भी खोल के, क्लियर है। उसी प्रकार से फिर आपको बुक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ऐप में बुक कैसे आएगा, तो ऐप में बुक नहीं आएगा, जो भी संबंधित टॉपिक से संबंधित सब्जेक्ट से जो पुस्तक होंगे उसको हम कोरियर के थ्रू आपके पास पहुंचाएंगे। तो इतनी सारी सुविधाएं देखिए आपको घर बैठे हुए मिल रही हैं, बस आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप पर बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज, डेमो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है जिसको आप देख सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद अपने रिजल्ट को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी इसमें बहुत सारे अपलोड किए जा चुके हैं। एटी लर्निंग ऐप है ना, ये ऐप का नाम है एटी लर्निंग ऐप, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे सीधा आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और आपको ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा बुक्स जो है हमको आपको हम कोरियर के थ्रू भिजवाएंगे। क्लासेस की जो हमारी टाइमिंग है आप यहां से देख सकते हैं, क्लासेस की हमारी टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, मतलब हमने ये जो क्लास कंडक्ट किया है ये हम तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो इसको ज्वाइन कर ही सकता है, परंतु जो जॉब वाले हैं, जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो इस चीज को समझ रहे हैं कि मेरा कैरियर सेट नहीं है, मैं एक बेहतर कैरियर की तलाश में हूं, तो वो इस टाइम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जॉब का आपका टाइम होगा 10 बजे, तो 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आप क्लास करिए, फिर आप जॉब में चले जाइए, उसके बाद आप जॉब से वापस आएंगे 5:00 बजे 6:00 बजे तक, उसके बाद 7 से 9 दूसरी क्लास है। देखिए तो इसको भी हमने जॉब वालों को ही ध्यान में रखकर तैयार किया, और जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो 7 बजे ज्वाइन कर ही सकता है। तो जो दोनों टाइमिंग है वो आपके लिए सुटेबल है। इस कोर्स में आपको या इस ऐप में आपको सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी, पटवारी, सम परीक्षक, सहायक ग्रेड 3, पीएससी, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एसीएफ रेंजर, मतलब छत्तीसगढ़ में जितनी भी वैकेंसियां निकलती है उन सभी की तैयारी करवाई जा रही है। और दूसरी चीज ये आपके सामने दिख रही है हमारी टीम, क्लियर है, एक प्रॉपर टीम है हमारे पास जो अलग अलग विषयों को आपको पढ़ाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ा देंगे, प्रॉपर टाइम में आपकी क्लास होगी और प्रॉपर टाइम में आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। अभिषेक सर यानी कि मैं एक फैकल्टी मेंबर हूं एटी ग्रुप का, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये सारे टॉपिक्स को मैं आपको क्लियर करूंगा। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो डला हुआ है, देखिए किस प्रकार से हम मैप के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, इमेज के थ्रू हम क्लास कंडक्ट करा रहे हैं,
काफी इजी है पे हम क्लास कंडक्ट करा रहे हैं। आप चाहें तो छत्तीसगढ़ से संबंधित लगभग 20 से अधिक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, ऐप पर भी अपलोड किए जा चुके हैं, आप जहां से भी चाहे वहां से देख सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। आपको समझ में आए कितनी आसानी तरीके से हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं और कितनी आसानी तरीके से हमको याद भी हो रहा है। इसके अलावा उस टॉपिक से संबंधित हमने एमसीक्यू भी सॉल्व किया है, बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हमने हल किया है। तो उस टॉपिक को तो हमने पढ़ा ही है, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हमने हल किया है ताकि उस टॉपिक से संबंधित कोई भी अगर डाउट है वो हमारा क्लियर हो जाए। क्लियर है। इसके अलावा मैथ्स एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इस प्रकार से प्रॉपर नोट्स के द्वारा आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग की पढ़ाई कराई जा रही है। इसके भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, ऐप पर भी उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज लैंग्वेज हिंदी हिंदी भाषा की भी क्लास का वीडियो इस YouTube चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इफेक्टिव नोट्स, अट्रैक्टिव नोट्स, ये नोट्स देख के आपको लग रहा हो कि इस नोट्स को मैं काफी आसानी तरीके से पढ़ सकता हूं, लग रहा है ना? बिल्कुल इस वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा, ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए, और इतने समय से जो लंबे समय से आपका जो डाउट बना हुआ है वो क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप बेहतर हो पाएंगे, एग्जाम की प्रिपेयर के लिए प्रिपरेशन में आप बेहतर हो पाएंगे। क्लियर। इसके अलावा कंप्यूटर कंप्यूटर की भी तैयारी मेरे द्वारा ही कराई जाएगी। ये चार सब्जेक्ट्स मैं आप लोग को डील करूंगा। कंप्यूटर के भी कुछ क्लास हो चुके हैं जो आप इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर का इतिहास, इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, और कंप्यूटर के पार्ट्स, इन टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है, जिसका वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर और ऐप पर भी मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। काफी इजी वे पे इमेज के माध्यम से हमने उस क्लास को कंडक्ट किया है। इसके अलावा वेद सर जो फैकल्टी मेंबर हैं एटी ग्रुप के, आपके इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी का भी वीडियो अपलोड है इस यूट्यूब चैनल पर, और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का भी वीडियो इस ग्रुप पे अपलोड हो चुका है, इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा योगेश सर जो एटी ग्रुप के फैकल्टी मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, पॉलिटी की क्लास लेंगे, इंडियन पॉलिटी की भी क्लास इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। मूल अधिकार से संबंधित जो टॉपिक है वो काफी अच्छे से कराया गया है। इसके अलावा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संवैधानिक इतिहास, ये सभी टॉपिक्स कराए हुए हैं, आप जाके इजी वे पे देख सकते हैं। और इसके नोट्स भी, आप नोट्स भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने नोट्स भी डाल दिया है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको क्लास दिखा रहे हैं और नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भावना मैम जो फैकल्टी मेंबर है एटी ग्रुप की, ये आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और इसके अलावा करंट अफेयर संबंधित टॉपिक भी आपका कराया जाएगा। इसके बाद सतीश सर जो फैकल्टी मेंबर है हमारे एटी ग्रुप के, इनके द्वारा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट पैकेज आपको यहां पर मिल रहा है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, है ना। तो जो हमारे फ्री वीडियोस हैं उसका तो आप लाभ ले ही सकते हैं। अगर आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ लाइव और रिकॉर्डेड में काफी अंतर है। आप चाहें तो हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी डेमो उपलब्ध है। आप चाहें तो हमको संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए, आपके डाउट जो भी समस्या उसके उसका समाधान किया जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए आप भटकते रहते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलेगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डेमो टेस्ट को आप देके देखिए। ये इतने इजी वे पे आपका टेस्ट होगा कि जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे आपको आपका तुरंत रिजल्ट बता दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो आपको एक आंसर की दी जाती है, उसमें आप एक एक क्वेश्चन को मिलाते रहते हैं, फिर अपना कैलकुलेट करते हैं, उस कभी कभी आप गलत भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जाएगा वो इस ऐप के द्वारा किया जाएगा और कभी भी गलती नहीं होगा। आपने 100 क्वेश्चन हल किया है, 60 क्वेश्चन आपके सही है और 40 क्वेश्चन गलत है, वो तुरंत आपको एग्जैक्ट बता देगा और उसके हिसाब से नंबर भी आपको बता देगा। व्यापम के जो परीक्षा होती है जिसमें आपको सही क्वेश्चन पे एक नंबर मिलता है और गलत क्वेश्चन में आपको 0.25 काट लिए जाते हैं, उसी पैटर्न पर हमने टेस्ट सीरीज भी तैयार किया है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहे हैं, इसके बाद पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल रहे हैं और बुक्स भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको इस कोर्स में मिल रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी सारी सुविधाएं तो हमको मिल रही है, कंप्लीट संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जा रहा है, अलग अलग टीचरों के द्वारा हमको पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस भी होंगी, डेमो भी उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं, बुक्स भी दे रहे हैं, टाइम भी हमको लग रहा है कि हमारे अनुसार है। सुबह हम उठ सकते हैं आराम से, क्लास किए, अगर जॉब में जाए तो जॉब में गए, या हम पढ़ाई करना तो पढ़ाई कर सकते हैं, या जॉब के आने के बाद शाम को हम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और शाम को भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब आप यह सोच रहे होंगे इतनी सारी सुविधाएं तो हमको प्रदान की जा रही हैं, लेकिन इस कोर्स का फी कितना है? तो इस कोर्स का
फी है 2999 रुपए, मात्र और मात्र 2999 रुपए, जिसमें आपको व्यापम परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। चाहे आप पटवारी बनना चाहते हैं, आप अमीन बनना चाहते हैं, आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, आप संघ परीक्षक बनना चाहते हैं, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, या आप और भी जो एग्जाम है जो पटवा जो व्यापम के द्वारा ली जा रही है उसको आप क्रैक करना चाहते हैं, वो कंप्लीट सिलेबस है, उस कंप्लीट संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी हम करवाएंगे और इसका फी है मात्र 2999 रुपए। टाइमिंग भी आपके अनुसार है, टीम भी हमारे पास है, इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स और बुक्स। मैं उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट इसलिए करूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाइए, क्लियर है। हमारे यूट्यूब पर भी चैनल है, फेसबुक पेज बना हुआ है उस पर आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप हमारा ग्रुप बना हुआ है और इसके अलावा हमारा एटी लर्निंग ऐप है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसको आप डाउनलोड करने के बाद बहुत सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं, क्लियर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं। आप पहले डेमो लीजिए, मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं ना तो एक बार इस ऐप को डाउनलोड बस कर लीजिए और कुछ वीडियोस हैं उसको आप देख लीजिए। अगर आपको लगा कि नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हो सकता है कि इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद कुछ आप में कुछ बेहतर आपको मिलना शुरू हो जाए, कुछ बेहतर आपको मिलना शुरू हो जाए, एक गाइडेंस आपको मिलना शुरू हो जाए, एक गाइडेंस जिसकी आपको बहुत जरूरत है। उसी कारण से आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप जो पढ़ रहे होंगे उसको लगातार भूल रहे होंगे, सुबह पढ़ते हैं शाम को भूल जाते हैं, शाम को जो पढ़ते हैं वो सुबह भूल जाते हैं, भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो भारत का भूगोल भूल जाते हैं, इस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे होंगे। हो सकता है कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कुछ क्लियर हो और आपको समझ में आए कि हाँ, इन वीडियोस को देखने के बाद या इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद या इस टेस्ट सीरीज देने के बाद मुझे फायदा तो मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए, जो आपकी तैयारी जो नहीं हो पा रही है वो तैयारी आपकी अच्छे से शुरू होना शुरू हो जाए। तो जो भी आपके डाउट हैं आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर आप कॉल करिए, आपको जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान किया जाएगा। और इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, आगे भी मिलते रहेगा। बहुत सारे क्विज भी अभी हम शुरू करने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम ऐसे क्विज शुरू करने वाले हैं, जिसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करिए, इस ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका फायदा उठाइए। हमारा एक ही सपना है कि आपका सपना पूरा हो, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको सरकारी नौकरी मिले। और आप अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाइए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद।